आज से मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा, मेरी भावनाएं उसको अर्पित होंगी हर दिन, सम्मान सहित मेरी भावनाएं पहुंचे उसे। मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा। अब भावना हो तो ऐसी जैसी शिव भक्त की है, वो तो बच्चा भी नहीं बाबा का, उसे ज्ञान भी नहीं, लेकिन शिव भक्त है। लेकिन ऐसा भक्त है जब जल भी पीता है तो शिव को अर्पित करके पीता है। हम तो जल 6 बार 10 बार पीते हैं ना दिन में, कितना भगवान को याद करके पीते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं। कभी जल का शुक्रिया किया मैंने? तू मेरे गले की प्यास बुझाता है, तू जीवन दायिनी शक्ति है मेरे लिए, हे प्रकृति माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया, तू है तो मैं हूं। कभी शुक्रिया माना मैंने उसका? लेकिन शिव भक्त जल भी शिव को अर्पित करके उसका शुक्रिया बोलकर देता है। कैसा होगा वो भक्त अपनी भावना से सदर बांध लिया शिव को, एक ही सुनवाई करता है, उम्र बहुत हो गई, घर में कोई बच्चा नहीं, हे भोलेनाथ हे शिव एक बच्चा मुझे मिल जाए। इस सुनवाई हुई उस भक्त की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके घर में उस भोलेनाथ ने एक ऐसी आत्मा को भेजा, जब वो आत्मा चलती थी तो हजारों कदम रुक जाते थे, जब मुस्कुराती थी तो हजारों की उदासी हर लेती थी, जहां वो खड़ी हो जाती थी खुशियों की बहार आ जाती थी। जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, जो शिव की प्राण की शान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमयी की आत्मा उस शिव भक्त के घर में जाके जन्मी। अकेली नहीं जन्मी, अपने प्रकाश को साथ लेकर जन्मी। दादी के जन्म से पहले बाबा ने ये मैसेज दिया था कि वो कौन से घर में जा रही है और क्यों जा रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। हालांकि वेद नहीं बोला कि कहां है, परंतु इतना मैसेज दे दिया था बाबा ने, जिसकी दृष्टि के लिए घंटों इंतजार करते थे, जो चलती फिरती फरिश्ता थी, पवित्रता की देवी थी, जो ममता मई थी, ऐसी हमारी दादी थी।